संगत देखने आए सम्मानित साथी, नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां गाजीपुर जनपद के भुड़कुड़ा कोतवाली अंतर्गत अलीपुर मंदरा के बारी अखाड़ा पर आयोजित विराट दंगल प्रतियोगिता का उद्घाटन सपा विधानसभा अध्यक्ष अवधेश यादव, मऊ चिरैयाकोट के नगर पालिका अध्यक्ष राम प्रताप यादव, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सत्येंद्र प्रताप सिंह उर्फ मसाला सिंह, पूर्व प्रधान चंद्रभान यादव, पूर्व विधायक त्रिवेणी राम, जिला उपाध्यक्ष अमीर अली आदि लोगों ने फीता काटकर व पहलवानों को हाथ मिलाकर कुश्ती का आरंभ किया। वहीं इस कुश्ती में गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस, जौनपुर सहित कई जनपदों से पहलवान आए थे और सुबह 11 से लेकर शाम 5 बजे तक यह कुश्ती दंगल प्रतियोगिता चलती रही। आइए देखते हैं कुछ पल दंगल प्रतियोगिता के। अखाड़े के पास खड़े होकर दंगल देख रहे हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इसी स्थान पर बैठने का काम करें, क्योंकि आपके पीछे भी दंगल देखने आए सम्मानित साथी नागरिक खड़े हैं। इसलिए मैं आपसे अलीपुर मदरा विजय
से हिंदी न करे। एक राजा यार धुरंधर हवा पर जय हिंद, जय हिंद, तू रावल बुलवा दीजिए इसे। मेरा नाम उदेश यादव उर्फ राजू है, मैं समाजवादी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। आज नाग पंचमी के अवसर पर हर साल की भांति इस साल भी अलीपुर मद्रा के इस अखाड़े पर पहलवानों का जमावड़ा रहा, कहां कहां से टीम आई और क्या व्यवस्था थी? देखिए हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी नाग पंचमी के शुभ अवसर पर हमारे गांव का एक परंपरा है कि हर वर्ष नाग पंचमी के दिन एक बड़े दंगल कराया जाता है और इस दंगल में गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, बनारस, गोरखपुर के पहलवानों को बुलाया जाता है और उनकी कुश्ती कराई जाती है। आज कुश्ती जो लड़ी गई यहाँ पहलवानों द्वारा, सबसे ज्यादा यहाँ मतलब लगता है कि कौन सी टीम यहाँ अपना रोमांचक बनी रही? देखिए कुश्ती एक खेल है, खेल में जो भी पहलवान है वो अपना दमखम अपने बल और अपने जान के द्वारा दिखाता है, जिसमें यहाँ जो कुश्ती लास्ट में हुई गाजीपुर के दोनों पहलवान थे और दोनों ने अपने कला का अद्भुत इस यहाँ पे उपस्थित सभी जनता जनार्दन को दिखाने का काम किया, जिसमें एक कुश्ती 15-15 मिनट की चली, जिसमें आपने देखा होगा कि जो पहलवान लड़ रहे थे जैसे उनके शरीर से कई बल्टी पानियां गिर रही थी। जनता ये कह रही थी कि अब बंद करवा दीजिए, मगर वो दोनों पहलवान ये कहते थे कि हमें समय चाहिए, हम समय लेंगे और लड़ेंगे। ऐसे पहलवानों का भी अपने अलीपुर मद्रा के पावन पवित्र धरती पर मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, बनारस, जौनपुर के जिलों का भी मान और सम्मान बढ़ाने का ऐसे पहलवान काम करते हैं। ऐसे पहलवानों का मैं चाहूंगा कि इसी तरह ये लोग क्षेत्र में और जिला में काम करते हुए हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे जिले का काम, जिले का नाम रोशन करने का काम करें। एक तरह देखा जाए तो जहां तक कुश्ती का सवाल है, इलाके में यह एक विलुप्त होती जा रही है, जो अखाड़े में लोग लड़ना नहीं चाहते जो आज के जनरेशन के लड़के हैं, और आज कुश्ती के इस दंगल को देखकर इसके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आज नाग पंचमी के अवसर पर इस अखाड़े से? देखिए हम लोग इसी से हर वर्ष दंगल कराते हैं कि हमारे क्षेत्र के जो भी नौजवान साथी और जो शिशु हैं वो माटी पोतते रहे। माटी पोतने से आप देखते हैं कि बच्चे मजबूत होते हैं और आप देख रहे हैं कि इधर अलीपुर मद्रा में अखाड़ा चलता है, सिखड़ी में चलता है, पटेला में चलता है, पनिक्सा में चलता है, ऐसे ऐसे गांव है जो पहले से हमारे पूर्वज से जो हमारे दादा से जो हमारे पिता थे ये लोग माटी पोतते हुए आ रहे हैं और अपने क्षेत्र का और अपने जिले का नाम रोशन करने का काम करते हैं। और खास करके आपको कहना चाहता हूं कि गाजीपुर जिला वीरों और शहीदी धरती मानी जाती है, यहाँ के वीर कभी पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो देश के कुर्बानी की बात हो, चाहे अपने जिला के मान और सम्मान की बात हो। और आज आपने देखा कि गाजीपुर जिले के जितने पहलवान थे उन्होंने दम खम से करके अगल बगल के जिले के पहलवानों को पटकनी देने का काम किया। मैं इन लोगों पहलवानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ।